बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन नाजरीन, आप किसी भी मकतबाए फ़िक्र के किसी इल्मी हलके में बैठे हैं। मैं जाहलों की बात नहीं कर रहा, इल्म वालों की बात कर रहा हूँ। तो आपको उधर ज़्यादातर जो लोग हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हुए दिखाई देंगे, ऐसे दलाइल देंगे कि इस मुल्क में कुछ तो भी नहीं है। इस तरह की बातें होंगी कि जो सुनने वाला है वो लाजवाब हो जाता है। इसकी क्या वजह है, इसमें क्या हकीकत है? आइए मैं आपको एक बात बताता हूँ। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयत पर है। आप देखें, इस मुल्क को जो बनाने की बेस है, बुनियाद है, जिस नीयत पे ये स्ट्रक्चर कायम किया गया, वो नीयत चेक करें, उन बनाने वालों को देखें। ये बना इस्लाम के लिए, आप आसानी से नमाज पढ़ सकें, आप रोज़ा रख सकें, आप इस्लामी इकदार को अपना सकें, ये इसकी बेस थी। अभी भी जिन लोगों की ये बुनियाद है, ये तरजीह है, अल्लाह तरजीह है, इस्लाम तरजीह है, वो आपको जो खालस है वो आपको अभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें वो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम किसी गैर इस्लामी मुल्क में जाते हैं और हमारी ये ख्वाहिश है कि पहली सफ में हम नमाज़ पढ़ें, तो उनको पता है कि बड़ा सफ़र करके मस्जिद में जाना पड़ेगा। इधर तो आप अपनी मर्ज़ी से फासले पे जिस तरह की चाहो मस्जिद बना सकते हो और बनी हुई हैं। उधर तो उनकी रियासत ने जहाँ मस्जिद बनानी है उधर ही बननी है। उधर आकर अगर मस्जिद में नमाज़ पढ़ना चाहते हो तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे मुल्क की क्या वैल्यू है। अपनी मर्ज़ी से यानी इस्लाम के मुताबिक हिजाब करना चाहते हो, आपको उधर के एनवायरनमेंट के और इधर में पता चल जाएगा। और अभी भी आप नोट करें कि जो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी कर रहे हैं। ये असल में इल्म नहीं है, ये जहालत है। अच्छा आलिम वो होता है कि जो आपको जिस तरह का मर्ज़ी भी इस तरह हो, जितने मर्ज़ी मुश्किल हालात हों, वो आपको उस इज़्तराब में भी, उस मुश्किल में भी, उस परेशानी में भी उम्मीद की किरण देता है। पाकिस्तान बनाने वालों की नीयत बड़ी खालिस थी, इसकी बेस बड़ी अच्छी है। और याद रखना, अन करीब वो वक्त आएगा कि ये वाकई पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान इस्लामी ममालक की, उम्मत मुसलमान की लीडिंग करेगा। जो लोग इसके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं, वो ज़रा सोचें कि क्या वो अपने प्रोफेशन के साथ मुखलस हैं। वो क्या कर रहे हैं, अपने दामन में झांकेंगे अगर हम, तो हमें पता चल जाएगा कि इस मुल्क को इस नहज तक पहुंचाने वाले हम खुद हैं। तो हमें जो है ना अपने अंदर झांकना है, कभी भी अपनी रियासत को बुरा भला ना कहें, कभी भी ना कहें, कभी भी ना कहें। इंशाल्लाह जल्द ये रोशन सितारे की मानिंद होगा। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह।